पटवारियों को गुमराह कर फर्जी तरीके से नामांतरण करने के मामले में बुरहानपुर तहसीलदार की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एक वकील, उसके भांजे और एक दलाल पर केस दर्ज किया था। केस के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। इसमें से एक फरार आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर असलम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वो लोगों को सस्ते में जो है नामांतरण कराने की बात कहते हुए लालच देकर फर्जी सील साइन से नामांतरण करता था। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी के अनुसार जो आरोपी पकड़ा गया है वो काफी समय से प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लोगों को लालच देता था। इसके साथ जो इसके दो साथी भी पिछले 2 साल से ये काम कर रहे थे। पिछले महीने तहसीलदार रामलाल पगारे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें एक वकील फरीद अहमद, उसका भांजा मुंशी जुशान और दलाल असलम शामिल था। मामले में करीब 42 नामांतरण भी जांच के दायरे में आए हैं। आरोपी असलम का हमीदपुरा स्थित अतिक्रमण भी पिछले दिनों तहसीलदार ने तोड़ा था। यहाँ टीन शेड में साइकिल दुकान ये संचालित होती थी। प्रॉपर्टी ब्रोकर असलम अंसारी जो है इसको गिरफ्तार किया है। और अभी इस मामले में कितने आरोपी हैं और कौन फरार है? इसमें अभी 2 आरोपी फरार हैं, फरीद अहमद और जिशान उनका मुंशी है। ये 2 फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। घरों से काफ़ी समय से घटना के बाद से फरार हो गए।